हमारी <laughs> राम राम जी सभी को तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिग बॉस ओटीटी 3 के वीकेंड के वार पे ना एलिस यादव को और मिस्टर फैजू को ना फेसबक करवाया गया था लेकिन उन दोनों को ना घर वालों के सामने नहीं ले गए थे तो मिस्टर फैजू के ऊपर लव कटारिया ने क्या कुछ कहा है वो आप यहां पे देख सकते हो वो कैसे लगा देखो फैजू का जो दिखाया था प्रॉपर वो, वो देखा उसमें भी फैजू भी इंपैक्टिकली बातें कर रहा था वो

उन्हें पता है कि कैसे कैसे क्या करना है देख सिंपल सी बात है वो भी अपना सत्रह साल से शो शो चला रहे हैं यार मेन चीज़ यही है कि अंदर किसी को लगता होगा कि भाई फोन था, था हमारे पास फोन था ना इस बार तो फोन फान थे सबको लगता था कि इसमें इंस्टाग्राम चला रहे होंगे या यूट्यूब चला रहे होंगे फोन फान कर रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं था उसमें एक ही ऐप थी बीबी चैट मेरे को भी पहले कहीं ना कहीं लगता था इनफैक्ट जब पिछली बार अविवी शायद उसने बताया था कि भाई कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता फिर मैं अंदर खुद जाकर एक्सपीरियंस करना चाह रहा था भाई नहीं होता। कुछ भी। इसके बाद कटारिया भाई ने कही है कि केतन और अरमान मालिक ना पीछे पीछे बोलते हैं मुंह पे बोलने की ना उसकी हिम्मत नहीं होती और आप लोगों को पता होगा कि कीतन ने बोला था कटारिया को ना मुझे रेपटा मारने का मन हो रहा तो इसके ऊपर ना भाई कटारिया भाई ने ना पीछे से सुन लिया था तो इसके ऊपर कटारिया भाई ने बाहर आके क्या रेक्ट किया वो आप यहाँ पे देख सकते हो साई केतन अरमान साई केतन रेपटा धर देता तो मैंने उससे वही बात बोली मैं मैं रेपटा रूपटा ये सामने बोले कर धर के दिखा मैं भी यहीं हूँ मैंने उसके कंधे पर हट डाला मैं मगर धर अब तो तेरे कंधे पा रखा है रेपटा धर भाई और मैं मगर तेरे जैसे हम खूब चला मैं भाई तो कौन है यार जो हैपटे वैप्टे की बात कर रहा और मेरे को और मजा आएगा अगर तू मेरे को बुला के बोलता कि तूने गलत करा है या वहीं की वहीं बोलता इसके बाद अगर साई केतन राव की और कटारिया की बात आई है तो आप लोगों को पता ही होगा कि कटारिया भाई की और साई केतन के की बीच में फाइट भी हो चुकी थी जो चूकी भाई साई कतन ने सबसे पहले गाली दी थी कटारिया भाई को उसके बाद भाई उल्टी गाली कटारिया भाई ने दे दी तो साई केतन ना गुस्से में आके ना भाई खुलासान की तरह ना भाई एक्टिंग के लिए ना ये सब कर रहा था तो इसके ऊपर कटारिया भाई ने क्या ओपिनियन दिया है और साई उठ के आया मारने मारने की आ रहा मारने तो रणवीर भाई ना पहले मेरे आगे खड़े हो गए अब उसको ना ढंग से देखना उस

कि क्या शरीर है क्या नहीं है बहुत चीजें होती इतना ही गुस्सा था उसको इतना मेरे में चढ़ना आ रहा था जो हाथ में टेस्ट थे मेरे मुंह पे फेंक के क्यों ना मारी साइड में फेंक के मारी <laughs> ऐसे कर रहा इसके बाद आप लोगों को ना नेजी धब्बा को भाई देख के ना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा भाई और उसके ऊपर ना फनी मीम्स और फनी भी बन रहे थे कि भाई नेजी ना मॉर्निंग के टाइम पे ना भाई नींद में होता है वो आलस वालस करने लग जाता है और भाई वो ठीक से ना काम कुछ नहीं करता मतलब उसका ना भाई जो भी रिएक्शन होता है ना वो फनी सा होता है तो इसके ऊपर भाई कटारिया भाई तो उसके पास थे तो भाई इसकी रियलिटी क्या है तो इसके ऊपर कटारिया भाई ने क्या कहा उसकी मेडिकेशन भी चल रही थी इसलिए हिसाब से मेरे हिसाब से इसलिए वो ऐसा था वो थोड़ा है ना नीद हाँ नींद नींद में उसकी दवाइयाँ काफ़ी चल रही थी अब ये नहीं पता किस चीज़ की थी नींद नींद में रहता था यार वो और कभी कभी जैसे उसका लंच का, का टाइम हो गया था बनाने का तो एक दिन तो नहाए नहीं अब उसके हिसाब से जिस दिन वो नहाएगा नहीं ना वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा <laughs> तो उसने प्याज तो पका लिए भाई और बाकी खाना कच्चा डाल दिया चावल टमाटर प्याज टमाटर वमाटर और वो हमने फिर वो बनाने तो चावल वाले थे हम बन गई खिचड़ी तो खिचड़ी खाई हमने हमने पूछा भाई क्या किया करा भाई मैं आज नहाया नहीं ना तो मैं स्टार्ट ही नहीं हो पाया भाई धक्का <laughs> स्टार्ट है भाई को इतनी रीले वायरल हुई है बाहर भाई वेल गाइस तो फिलहाल के लिए तो इतनी अपडेट थी अगर ये वाला पॉडकास्ट आप लोगों को भाई पूरा देखना है तो भाई YouTube पे ना रियल इट भाई करना भाई चैनल है वहां पे ना भाई पूरी की पूरी वीडियो है आप वहां पे जाके देख सकते हो तो मिलते बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर